भारत और रशिया के बीच राजनीतिक संबंधों के 75 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष में दिल्ली में रूसी संस्कृति उत्सव मनाया जा रहा था। इस मौके पर भारतीय अधिकारियों के साथ रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव भी मौजूद थे। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान डेनिस अलीपोव ने भारत के साथ संबंध को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, जो अब चर्चे में भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि आज की रात बहुत खास है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर विराम लग गया था, जो फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में एक लोकप्रिय कहावत है, दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं होता। रूस भारत रणनीतिक साझेदारी के भरोसेमंद और मैत्रीपूर्ण चरित्र दुनिया भर के देशों के लिए एक सटीक उदाहरण है। रूसी राजदूत ने कहा कि कोरोना महामारी के उभरने के बाद आज रात हम रूस और भारत के पारस्परिक सांस्कृतिक उत्सवों की अद्भुत परंपरा को फिर से शुरू कर रहे हैं। रूस भारत राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर ये हमारे देशों के बीच समृद्ध और विविध सांस्कृतिक बंधनों, ऐतिहासिक मित्रता, आपसी हित और विश्वास का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण होगा। रूसी राजदूत ने कहा कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में एक सप्ताह तक उत्सव चलेगा। नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में लोग आनंद भी ले सकेंगे इसका। उन्होंने आगे कहा कि उत्सव रूस और भारत के राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ की सबसे रंगीन प्रदर्शन होगी, जिसे हम इस वर्ष मना रहे हैं। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है कि दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं, ये उनका जब डायलॉग सामने निकल करके आया तो काफी उस समय के बाद से ये वीडियो वायरल भी होने लग गया। और जैसे कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, एक पर्ची में उन्होंने ये डायलॉग लिखा हुआ है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर रशिया और इंडिया का संबंध किस तरीके से आगे चलता है, क्योंकि यूक्रेन रशिया के वॉर भी है, पर साथ ही बहुत सारी स्थितियां यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर रशिया और भारत की जो संबंध है, दोनों के जो पार्टनर्स और अलायंस है, वो जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं खेद करती है भारत। लेकिन अब देखने वाली बात होगी भारत किस तरीके से जवाब देती है रशिया को।